हेलो दोस्तों, कुकिंग हिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लिट्टी की रेसिपी। आज हम इस लिट्टी को पानी में बॉईल करके कुक करेंगे, तो इसे देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम ले लिए हैं 250 ग्राम गेहूँ के आटे हैं। यहाँ पर आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ गेहूं के आटे लिए हैं नॉर्मल, और हम इसमें एक छोटी चम्मच अजवाइन उसे हाथों पर क्रश करके इस तरीके से डालेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से फ्लेवर आटे में आ जाए। और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, तब हम इसमें रिफाइंड ऑयल का मोइन देंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पहले नमक को, अजवाइन को आटे के साथ मिक्स कर लेनी है और फिर हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे लगभग 80 ml, क्योंकि हम 250 ग्राम आटे लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी मेजरिंग कप ले लें, जितना आप आटे लें उसके चौथा भाग आप इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं, यानी मोइन देकर अच्छी तरह से आप मिक्स कर ले और आप मुट्ठी से उसे बाइंड करें। अगर वो बंद जाए तो समझ लीजिए इसमें परफेक्ट मोइन है। देखिए हम ऐसे मिक्स कर रहे हैं तो अपने आप बाइंड हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आटे के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। डो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से पहले हम डो लगाएंगे। पानी डायरेक्ट से बहुत नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि इससे आपको अंदाज़ा मिलते रहेगा पानी हमें इसमें कितनी डालनी है। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से दम से इसे सॉफ्ट कर लें। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा इसका डो तैयार कर लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट। तो कवर करके इसे साइड में रख देते हैं और अब हम सत्तू तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ले लिए हैं 1 कप सत्तू और यहाँ पे एक मिक्सी जार लिए हैं और इसमें 4 हरी मिर्च, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। और पहले इन मसाले को हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसे हम पहले वॉश नहीं किए थे तो आप इसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, इसमें जो भी धूल मिट्टी हो वो साइड हो जाएंगे। और हमें इसे बिना पानी ऐड किए ही इसे दरदरा कर लेनी है। तो ये लीजिए, हम अच्छी तरह से इसका दरदरा पेस्ट बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर सत्तू में ऐड करेंगे और यहाँ पे कुछ धनिया पत्ते ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पे हम नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे 1/4 चम्मच है, क्योंकि हम हरी मिर्च ऐड किए हैं इसलिए लाल मिर्च थोड़ा आप हिसाब से ही ऐड करें। और यहाँ पे 1 लेमन लिए हैं, लेमन को हम अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे छन्नी में निचोड़े ताकि इसका रेशा और बीज छन्नी में ही रह जाए। तो यहाँ पे 1 लेमन को हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें 2 चम्मच तेल ऐड करें। यह कुकिंग ऑयल सरसों का तेल है, इसे आप गरम करके फिर ठंडा करके ऐड करें और थोड़ा सा इसे चटपटा बना देते हैं। और यहाँ पे 1 इंच का आम का जो अचार होते हैं उसे आप मसल कर इसमें ऐड कर दें और फिर अच्छी तरह से आप मिक्स करें। तो इस तरीके से जब आप सत्तू तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आपकी लिट्टी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पे लीजिए, और यहाँ पे आटे को हम अच्छी तरह से सेट भी कर लिए हैं
एक दो बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसका छोटा छोटा सा आटे में से तोड़ेंगे और लोइया तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम रोटी के लिए लोइया तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम सारे आटे की लोइया तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सारे आटे की लोइया तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे फिल करेंगे। तो या आप इसे बेल लें या फिर हाथ के अंगूठे से मदद करके इसमें बीच में गड्ढा करके इसमें आप फिल कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो में कर रहे हैं। जो ऊपर बच रहे एक्स्ट्रा आटे उसे आप हटा लें और इस तरीके से आप चारों तरफ से थोड़ा सा फैला दें, हल्का प्रेशर देकर, ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो किनारे से सत्तू बाहर आ सकते हैं। तो फिर हम एक और आपको दिखा रहे हैं फिल करके। इस तरीके से आप बीच में गड्ढा कर दें अंगूठे से और फिर उसमें एक चम्मच के करीब उसमें सत्तू डालें और दोनों किनारों के आपस में चिपकाएं और धीरे धीरे सेंटर में ले आए और फिर इसे ऐसे दबाते हुए राउंड करते हुए जो एक्स्ट्रा ऊपर आटे बच रहे हैं उसे आप हटा दें और फिर उसे थोड़ा सा प्रेशर देके हल्का चौला कर लें। तो इस तरीके से हम सारे सत्तू सारे आटे में भर लेंगे जितने भी लोइया तैयार किए थे। तो हमारे यहाँ पे लिट्टी बनकर अभी तैयार है, लेकिन अब इसे उबालने की बारी आती है। तो एक पतीले में हम पानी लगभग 1 लीटर के करीब रखेंगे और इसमें जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगी तो हम इसमें एक एक करके लिट्टी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे लिट्टी को ऐड कर दिए हैं और इसे अभी हम चलाएंगे नहीं, इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें उबाल जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से उबाल आ रही है और यहाँ पे स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है लिट्टी को कुक होने के लिए, क्योंकि ये राउंड भी हो रही है। तो ये लीजिए, हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद इसे चलाना स्टार्ट किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लिट्टी है वो अपने शेप से कितनी बड़ी हो गई है, यानी उससे डबल हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे थोड़ा दबा कर देखिए, ये दब जाए तो समझ लीजिए कि ये जो लिट्टी है वो पूरी अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो इसे अब गैस बंद करेंगे और सारे लिट्टी को हम निकालेंगे। इसे हमें कुक करने में लगभग 7 से 8 मिनट लगी है। तो यहाँ पे हम सारे लिट्टी को बाहर निकाल लिए हैं, इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और चारों तरफ उसे फैला देंगे। ज़्यादा नहीं हमें इसमें तेल डालनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो लिट्टी है वो कुक हो चुकी है। आप उसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए तेल में उसे हल्का कलरफुल बना ले, उसे गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके लिट्टी को इसमें डालेंगे और यहाँ पे 2 मिनट के बाद ही उसे पलटेंगे, क्योंकि लिट्टी अभी गर्म निकली है इसीलिए कढ़ाई में थोड़ा सा चिपक जा रही है। जब उसे अच्छी तरह से ठंडा करके जब आप फ्राई करेंगे तो थोड़ा भी नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे हम लिट्टी को पलट कर दोनों तरफ से उसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी दिख रही है। तो इसे हम दोनों तरफ से पलट कर गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक एक करके। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप अगर कभी नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये क्रिस्पी भी लगती है। तो हम यहाँ पे अब दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे, फटाफट से ऐड करेंगे इसमें। ये लीजिए, हम सारे लिट्टी अब डाल दिए हैं
और इसे भी हम पलट लिए हैं अच्छी तरह से और ये भी तैयार है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, तो अब हम इसे निकालेंगे इसे भी उसी बर्तन में। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कैसा लगा। तो यहाँ पे हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा, जितना ये ऊपर से देखने में अच्छी लग रही है, अंदर से भी है सॉफ्ट भी है, ऊपर से क्रिस्पी भी है, अंदर से पूरी तरह से कुक भी हो चुकी है, और ये इन सब के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।